हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, फ्रेशर्स काफ़ी तकलीफ में होते हैं कि किस जॉब में जाएं, किस जॉब से स्टार्टिंग करें। देखिए, फर्स्ट जॉब ही आपका मेन होता है कि आप किस जॉब को चूज़ करते हैं, वो जॉब आपके लायक है कि नहीं। तो इस वीडियो में वही बताऊँगा कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए, सोचिए कि मैं किस जॉब के लिए बेस्ट हो सकता हूँ। मैं सारी इंफॉर्मेशन और सारे डिटेल जॉब के बारे में बता दूंगा और आप अपने हिसाब से जॉब करके आप जिसमें फिट रहेंगे वही जॉब करना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे मेरे को जैसे स्टार्टिंग में मेरे को क्या था कि महिंद्रा में जब मैं लगा था तो मुझको वो डीलरशिप पॉइंट जॉब दे दिए थे, ठीक है। और मैं एक जगह बंदरा के ऑफिस वाला काम करना पसंद नहीं, मुझे घूमते फिरते गांव पहाड़ वादियां देखते हुए काम करना पसंद था, तो मुझे वो जॉब जमा नहीं, जबकि मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं श्रीराम ज्वाइन किया तो मुझे फील्ड जॉब मिला, ठीक है। और फील्ड जॉब में ऑफिस से निकल जाओ उस और बढ़िया गाँव खेत वेत गाँव वाले, मतलब पूरा एरिया था हमारा। तो एक बार ऑफिस से निकल जाओ और शाम को सीधा ऑफिस पहुँचो 7-1 बजे, तो दिन भर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं और बढ़िया पहाड़ नदी वदी सब बैठ के आराम कर सकते। तो ये जॉब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इतना उस जॉब को अच्छा परफॉर्म किया और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ और मैंने काफ़ी पैसे कमाए। इवन मेरे ब्रांच में सबसे अधिक पैसे मैंने और एक जन और है उन्होंने कमाए, और 3-4 जन और हैं आप कमाए, बहुत ज़्यादा बहुत, बाकी तो सब ने कमाए। उस समय तो फाइनेंस में बहुत पैसा था और आज भी फाइनेंस में बहुत पैसा है। मैं कल परसों आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आप फाइनेंस की पर मंथ सैलरी स्लिप दिखाऊंगा आपको मैं, और कल ही बनाता हूँ वीडियो कि इसमें कितना मंथली आप कमा सकते हैं। कल मैं दिखाता हूँ आपको, सैलरी स्लिप के साथ मुझे मिल गई है, ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है मुझको, ठीक है, या मैंने जुगाड़ कर लिया है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा, फ्रेशर्स हैं तो और फाइनेंस कंपनी में जॉब, फाइनेंस के अलावा कहीं जॉब मत करो, वही 10,000 का जॉब मिलेगा। कैरियर वैरियर कुछ नहीं, फाइनेंस में कैरियर है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग जॉब है, जितना परफॉर्म करोगे उतने ऊपर जाओगे। और इसमें मतलब कैरियर के ऊपर कैरियर है, आप मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेके आप कहीं भी आप पहुंच सकते हो स्टेट लेवल तक, तो बहुत बड़ा कैरियर। ऐसे नहीं कि आप एक जगह बाकी जॉब में करोगे तो आप एक जगह रहोगे तो 10 20 50 साल उसी में करना पड़ेगा, भले सैलरी आपकी बढ़ जाएगी लेकिन वही काम करना पड़ेगा। यहाँ काम बदलते रहते हैं, आप एग्जीक्यूटिव में करेंगे अलग काम होगा, प्रोडक्ट मैनेजर में करेंगे अलग काम होगा, BM में करेंगे अलग काम होगा, स्टेट हेड में करेंगे अलग काम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बोर मत करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि वैकेंसी आने लगी है, श्रीराम की भी आ रही है, मैंने डाल भी दिया है और मल्टीपल है, छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं आज इधर लगा देता हूँ। छत्तीसगढ़ वाले बहुत बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए एक वैकेंसी आई है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं ना, आपको ज़्यादा प्रेशर वाला जॉब मत करो स्टार्टिंग में, वो बहुत सीखने के बाद करो और उसमें पैसा कमाओ, ठीक है। इन जॉबों में पैसा कम रहेगा, मैं जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको फाइनेंस सीख जाएंगे, टेक्निक सीख जाएंगे, फाइनेंस एक टेक्निक है, तो आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और काफ़ी पैसे कमाएंगे, जो आपको सपना होता है। आप सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब से अच्छा तो यही जॉब है यार, मतलब गवर्नमेंट जॉब से अच्छा नहीं है, एक गवर्नमेंट जॉब के बराबर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब 100 है तो ये 70 बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग करो आप, फर्स्ट है ऑडिट, ऑडिट एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। ऑडिट का काम क्या होता है, देखो ऑडिट का काम ऑफिस का ही मेन होता है। ऑडिट में आपको देखना पड़ता है कि ऑफिस में जो लोन बट रहे हैं वो सही जा रहे हैं, ऑफिस में जो रिकवरी हो रही है सही हो रही है, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, कोई गलत फाइनेंस तो नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है, कोई खप गलत सीजिंग की गाड़ी है तो कोई गलत किसी को तो नहीं बेच रहा है। तो ये एक ऑडिट का काम होता है, मतलब एक जासूस का काम होता है ऑडिट का। ऑडिट का यही काम होता है, हर लोन को मेंटेन करना, हर कस्टमर को देखना, कि मेन स्टाफ को देखना, स्टाफ को मैनेजमेंट करना पड़ता है, कस्टमर को तो नहीं, और कस्टमर से भी फील्ड में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कितना पैसा क्या है, ऐसा वैसा, कोई सेटलमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मांगा, जो है रिक्वायरमेंट वो ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया, ये सब ऑडिट वाले को देखना पड़ता है। तो ऑडिट का जॉब आपके लिए बढ़िया रहेगा, एक
आप आईबी एजेंट रहोगे, इंटेलिजेंस एजेंट रहोगे, ठीक है। तो ऑडिट का जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड जॉब मैं बोलूँगा क्रेडिट में जाओ आप। क्रेडिट में क्या होता है कि जो लोन्स क्रेडिट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो लोन्स बच गए हैं, जिनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, उनकी किस्तें लानी होती हैं, तो आप क्रेडिट में जाके उनकी किस्तें ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट में ऑफिस वर्क भी ज़्यादा होता है और फील्ड वर्क भी, मतलब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन डेली फील्ड पे क्रेडिट में नहीं जाना पड़ेगा। आपको फ़ोन करके ही आपको बोलना, सर आपका पैसा क्या हुआ, आप पैसा दीजिए, पैसा कब दे रहे हैं, कब दे, जब बोलेगा जब दे रहा हूँ तब जाने का। मेन कस्टमर को कॉलिंग करके ही आप क्रेडिट में हैंडल कर सकते हैं। बाकी रिकवरी करूँ में तो आपको फील्ड पर निकलना पड़ेगा। क्रेडिट में आप फ़ोन से ही आप कस्टमर को बोल सकते हैं पैसा ला के छोड़ दो, पैसा या तो जमा करा दो या फिर मैं आऊँगा तो आपसे पैसा लूँगा। तो जाना पड़ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा केसेस नहीं मिलते हैं। देखिए ऐसे रिकवरी में आप जाएंगे तो आपके पास 100 200 300 केस रहेंगे, क्रेडिट में आपके पास 150 केस रहेंगे, आप बहुत इजी हैंडल कर लेंगे। और मोस्टली जॉब ये ऑफिस वर्क का जॉब है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। थर्ड मैं बोलूँगा आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में काम कीजिए। आज हर कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है। जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, कूलर, बेड, पंखा, एसी, सब ये कंज्यूमर लोन में आते हैं और बहुत ज़्यादा बिकते हैं। आज हर आदमी मोबाइल लेता है, हर आदमी 6 महीने में मोबाइल ले लेता है। तो आप कंज्यूमर लोन में जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको टीवी फाइनेंस करो, सबकी फ्रिज फाइनेंस करो, मिक्सी फाइनेंस करो, ये सब की ज़रूरतें हैं, ठीक है। 10,000 के ऊपर ही फाइनेंस होता है, मिक्सी विक्सी अगर 10,000 के ऊपर हुआ तो हो जाएगा फाइनेंस, होता है। बहुत सी चीज़ें, बहुत प्रोडक्ट महंगी महंगी होती हैं, तो ये इसमें बहुत इजी में आपको मिल जाएगा। और इसमें आप काम करेंगे तो मज़ा भी आएगा, टाउन में काम रहेगा, शहर में काम रहेगा, आप दुकान स्टोर्स में विज़िट करेंगे जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके पास बैठ बैठ जो टीवी भी जो शोरूम है वहाँ विज़िट करेंगे, नंबर दे देंगे, तो बहुत ईजिली आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि भटेर लेते हैं, यानी कि जब जब सीज़न आता है तो फिर दिवाली से स्टार्ट होता है, जो पूरा मई एंड तक, मतलब जुलाई तक, जून तक जाता है, जून तक शादियाँ चलते रहती हैं, त्यौहार चलते रहता है, तो आदमी ये सब लेते ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा सीजन है, 4 महीना आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब 9 महीना हो गए ना, हाँ 9 महीने का आप काम समझ दो, बहुत पैसा कमाओगे। बहुत कम इंसेंटिव है, 300 400 रुपये, लेकिन मंथली आप बहुत ज़्यादा फाइल करेंगे और अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं अभी पैसे का बात नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेशर में आप पैसा मत देखिए, फ्रेशर में आप सीखिए, फाइनेंस की टेक्निक्स सीखिए। फाइनेंस कोई मैथमेटिक्स नहीं है, फाइनेंस कोई फिजिक्स नहीं है, फाइनेंस कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप मैथ्स में फिजिक्स में तो आप क्लास में 94 लाते थे, 98 लाते थे, अलग बात है। वो आप जाएंगे शेयर मार्केट में या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट में जाएंगे तो उधर आपके लिए समझ में आएगा, आपका जो एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब के लिए करेंगे तो वो आएगा। लेकिन फाइनेंस में 10वीं पास वाला भी महीने के लाखों कमा सकता है, क्योंकि इसमें स्किल एबिलिटी और स्किल पावर, एबिलिटी बात करने का ढंग, पैसा निकालने का ढंग, सेल्स करने का ढंग, ये मांगता है। और ये आदमी खुद सीखता है या आदमी के अंदर होता है, ये पढ़ाई करके नहीं सीखा जा सकता। अब पढ़ाई करके आप गाना नहीं सीख सकते, पढ़ाई करके आप खेलना नहीं सीख सकते, या क्रिकेट, अब अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज क्रिकेट टीम में होता, क्योंकि उससे बड़ा कोचर तो कोई होगा नहीं अपने बेटे के लिए, खासकर अपने बेटे के लिए। वो बचपन से सिखा रहा है, लेकिन उसके बेटा आज तक इंडियन टीम में नहीं आ पा रहा है। अच्छा वो आया भी होगा तो मेरे को आइडिया नहीं, मैं, लेकिन वो नहीं बन पाया कुछ। तो ये सब होता है, स्किल्स होता है, टैलेंट होता है, ये आप में होगा तो आप फाइनेंस कंपनी में सर्वाइव करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और थर्ड बोलूँगा आप अगर जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो बैक ऑफिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बैक ऑफिस का इंटरव्यू भी आया है, वो 4 तारीख को है, मैं डाल दिया हूँ और एक बार और डाल दूँगा। तो आप बैक ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं तो बैक ऑफिस में भी अच्छा काम है, कुछ नहीं, आपको फाइलें अपलोड करनी है फाइनेंस की और कस्टमर को कॉलिंग करना है, लोन के बारे में पता करना है, डिटेल करना है, कुछ नहीं, आपको ऑफिस में ही काम रहेगा। एसी में बैठो दिन भर, आप टप 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 आपका करो, 9 बजे ऑफिस जाओ, 7 बजे तक आप वापस आ जाओगे घर में, कहीं कुछ जाना नहीं है आपको, ऑफिस में ही काम रहेगा।
वर्क ज़्यादा रहेगा लेकिन ठीक रहेगा, कोई प्रेशर वेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। प्रेशर वाला बैक ऑफिस में प्रेशर नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बैक ऑफिस का काम ही नहीं है प्रेशर का। जितनी फाइलें होगी उतना करेगा, ज़्यादा होगी तो एक दो घंटा ज़्यादा करेगा। हाँ, लेकिन काम करके जाना है आपको तो ही आपको अच्छा रहेगा। और आदमी काम नहीं करेगा तो क्या भी करेगा, आप बताइए। काम नहीं करेंगे तो क्या। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना साल काम कर लिया, 36 प्रकार का जॉब कर लिया, मैं फाइनेंस में जाकर सक्सेस हो गया, मैंने पैसे कमा लिया, प्लस मैंने इन्वेस्ट कर लिया। जो इन्वेस्ट किया ना मैंने, उस पर मैं आज बचा हुआ हूँ। नहीं तो मैं भी आज फिर देखो, मेरे तो जॉब लग सकता नहीं, तो मेरे ऊपर तो पुलिस केस हो चुका है। ठीक है, आप जानते हैं मेरा, मैंने जो भी था आप को, ठीक है, तो मुझको तो जॉब नहीं मिल सकता। ठीक है, तो लेकिन आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्लस मेरा हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझको कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई नंबर नहीं देता, आप यूट्यूब में सर्च कर लो और बोल दो, सर ये आदमी हमको पढ़ाता है, गाइडेंस करता है और वो पर्सनली फ़ोन उठाता है बिना कुछ पैसे लिए, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छा, चलो एक आदमी और होना, लेकिन देना चाहिए, लोगों को देते नहीं नंबर। मैं तो अपना पर्सनल नंबर दे चुका हूँ, मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन्स, व्हाट्सअप बहुत आते हैं, बहुत रिक्वायरीज है आपकी, बहुत। अब मुझे हेल्प करने में मज़ा आता है भाई, मैंने जितना सीखा है, मैं लोग पूछते हैं तो फाइनेंस में डाउट होता है ना कि ये कैसा काम है, क्या है, क्या करना है, तो बहुत लोग कॉल करते हैं। कई लोगों को तो हिंदी आती नहीं, आंध्र प्रदेश अंदर करते हैं, वो ऐसा ऐसा हिंदी में बात करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। कश्मीर से कॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर साउथ से कॉल्स आते हैं, केरल वेरल से, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो अपने नॉर्थ वाले तो अपने ही हैं यार, यूपी, बिहार, MP सब तो दिल्ली वाली तो हम ही हैं, हम नॉर्थ वाले हैं। तो बेस्ट व्लॉग आपको अभी पसंद आया होगा, और कल दिखाता हूँ मैं आपको फ्रेशर्स को कि फाइनेंस कंपनी में सैलरी स्लिप जो बनती है मंथली, वो कितने की बनती है और आप कितना कमा सकते हो, एवरेज बता दूंगा। लाइफ बदल जाएगी, सक्सेस हो जाओगे, ज़िंदगी बदल जाएगी, हर कुछ पालोगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं हुआ मेहनत किए, 100% वर्क नहीं किया, नहीं हुआ तो फ़ोन करना और दस्तों गाली देना, कमेंट मत देना और कमेंट करना, कमेंट और लाइक कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।